सुनीता दीदी गई उधर बाहर गई थी। अच्छा अच्छा। तो पाए में चोट लग गए। हाँ। आई नहीं, बहुत टाइम हुई गो। तो मामी जी ने हम बातें कर रहा था। क्यों लेट हो गई थी, क्या हुआ था? ओ बहन, मैं बाहर गई थी लेटरिंग, मतलब फिसल गया पाँव। तो मैं इससे बहुत दूर, इतनी दूर गिरी। बाप रे, बहुत दूर गिरी, तो बहुत जोर से लगी होगी। तो लोटा मोटा पानी सब फिका गया। इसलिए तो कहते हैं कि बाहर सोच नहीं जाना चाहिए। जल्दी जल्दी काम कर ले, नहीं तो है नहीं। आने के चक्कर में मैं नहाई भी नहीं आज, क्योंकि पाए में लगे थी चोट, ठंड भी पड़ रही थी, खाली नहाकर भी नहीं आई। तो ठंडी पड़ा कर तो नहाना थे नहीं थे। तो नहाने का तो मैं रोज नहाऊ, बिगन नहाए कभी नहीं रहती, मैं अच्छे नहीं लगते। पर एक ही ठंड खूब पड़ रही थी, एक कारण नहीं नहाई। अपने को नहाना रोज जरूरी है जी, रोज जरूरी है, क्योंकि है ना अपने शरीर को भी अपने को ध्यान रखना है जी। सही है, ऐसा नहीं कि काम के चक्कर में अपन ने नहाना नहीं, रोज नहाना और शरीर पर भी ध्यान देना है, साफ सफाई के बारे में जी। अपने को 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए और शाम को खाना खाने के बाद अपने को 1 बार ब्रश करना चाहिए। अगर अपने को शरीर की भी सफाई रखना है, जैसे बालों को साफ करना, आँखों को साफ करना, नाक को, कान को और मुँह को साफ करना है। क्या कानों को भी साफ करना पड़ता? कैसे साफ करेंगे उनको? कानों को रोज ही साफ करना है, और उसमें ना कानों में जैसे लकड़ी का गुट्टा है, नुकीले चीज़ें या फिर जो बालों में लगाते पिन, अपने कानों में नहीं डालना है। और जैसे कान में दर्द हो या कुछ बहा हो, जैसे मवाद वगैरह आता हो, तो अपन तुरंत डॉक्टर को दिखाना, अपने हाथ से कुछ नहीं डालना। तो शरीर की सफाई के साथ साथ अपन घर से बाहर जब निकलो तो पैरों में चप्पल डाल के जरूर निकलो, बिना चप्पल के नहीं जाना। अब खूब बातें हो गई, मैं पानी लाती हूं। हां, पानी भर लाए तो? हाँ भर लाए। हाँ, पानी को छान के तो छान के लाए। अच्छा, बर्तन भी हाँ इतनी ऊंचाई पे ही रखना चाहिए, सही रखा हुआ है। पानी को ढाके भी आपने अच्छा, और पानी जब लो आप पीने के लिए तो डंडी वाले से ही लेना। और पानी में है ना क्लोरीन की गोली भी डालना। पानी हाँ, पानी छान के लाए, उसमें अब क्या जरूरत है? हाँ जरूरत है, उसमें क्लोरीन की गोली डालना जरूरी है। छानने के बावजूद भी पानी में डालना पड़ता है गोली है। तो थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो भी साफ हो जाएंगे, और गोली आपको मिल जाएगी आशा के पास या आंगनवाड़ी के पास भी मिल जाएगी। अगर चाहो तो अस्पताल में मिल जाएगी, उपस्वास्थ्य केंद्र में। गोली के अलावा अपन पानी में फिटकरी भी डाल सकते हैं, वो भी पानी को साफ करता है, गंदगी दूर कर देता है और साफ पानी अलग हो जाता है। उससे ही पता चलता है कि कितनी गंदगी रहती है पानी में छानने के बाद भी। जब भी अपने परिवार में कोई बीमार हो तो उसको उबला पानी ही पिलाना है, और पानी को 20 मिनट तक उबालना है और ठंडा करके देना है। क्या इससे पूरी तरह से पानी साफ हो जाएगा? हाँ, पूरी तरह से साफ हो जाएगा, पर तुमको पूरे 20 मिनट तक पानी को उबालना है। पानी में क्लोरीन की गोली तो डाल दी है, पर वो कुएं का बाहर का कुएं का पानी साफ है? हाँ, मैं वही तो तुमको बताने आ रही हूँ। जैसे खुले स्रोत है, जैसे नदी, तालाब, कुआं, नहरें, इनका पानी बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहता और ये पीने योग्य नहीं रहता है। पीने योग्य क्या रहता पानी? हेडपम्प और नलकूप, इनका पानी पीने योग्य रहता है, पर उसमें फिटकरी डालना और क्लोरीन की गोली डालना जरूरी है। वो सुरक्षित पानी रहता है और वो तभी पीने योग्य बनता है। हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। एक बात फिर, खाना बनाने से पहले, खाना परोसने से पहले, खाना खाने से पहले और स्वच्छ के बाद अपने हाथों को अच्छा साफ रगड़ के साफ रखें। हेडपम्प, कुएं, इन सभी पीने के पानी के स्रोतों के आसपास गंदगी नहीं इकट्ठा होने देना, ना ही वहाँ कपड़े धोना, ना अपने पशुओं को नहलाना है। क्यों दीदी, हम तो वहीं पे कपड़े धोते हैं, पशु उनको वहीं नहलाते हैं। यह गलत है काकी जी, पानी के स्रोत में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने से जो पानी इकट्ठा होता है उससे मच्छर पनपते हैं, और तो चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया की बीमारी होती है। ये घर के आसपास फैली गंदगी से होते हैं, इसलिए अपने घर के आसपास सफाई रखना जी। घर का जितना भी कूड़ा कचरा है उसको कूड़ेदान में डालें, घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी इकट्ठा ना होने दें। जी, तुमने इतनी अच्छी बात कही, तुम्हारे पैर तो दर्द करता तो वही बन रहे। ते तो बहुत हो गई, अब जल्दी से जल्दी जल्दी खाना तैयार करो। अपनाने वाला मुख्य बिंदु, रोज नहाने, रोज सुबह शाम ब्रश से मंजन करनू, नख नख नियमित काटी ना साफ राखनू, बाल ना मत तेल लगे ना कंघी करनू, ना
कान में कई भी नुकीली चीज नहीं नाखनो। खाना बनाना, परोसना न खाना खान का पहला शौच का बाद और बाड़क को मल साफ करना का बाद हाथ नख साबुन लगाना धोनु। पेड़ को पानी हैंडपम्प नलकूप न नल जैसा बंद स्त्रोत में से भरनो चाहिए न पेड़ का पानी साफ बर्तन में भरी कर ऊंचा स्थान पर रखनो चाहिए। पेड़ का पानी में क्लोरीन की गोड़ाई नाखी ना या फिटकरी घुमाई ना साफ करी सकांज। अपना घर का आसपास कूड़ो कचरो और घर न सी निकलन वालों गंदो पानी इकट्ठो नहीं होने देनु चाहिए।